कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मैं और हम सब कालानी सोसाइटी के रहवासी हैं सिंस बिगनिंग। 1972 में हमारी सोसाइटी कंप्लीट हुई थी, 69 से तैयार होना चालू हुई थी। हम सब ओरिजिनली ओनर्स हैं, करीबन 10-12 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 32 मेंबर्स हम लोग हैं। और अभी बिल्डिंग की कंडीशन पुरानी हुई तो हम रीडेवलपमेंट में गए, उसके बावजूद हमें कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही थी मीडिया में, कुछ आ रहा था, तो हमें लगा कि हमें अपनी क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए क्योंकि हमारी रीडेवलपमेंट में ये सोसाइटी जा रही है। तभी आज हमने ये सोचा कि हम अपनी क्लेरिफिकेशन। शहर के मीडिया में और कुछ एनजीओ द्वारा ये सवाल उठाया जा रहे हैं कि जो रीडेवलपमेंट के पीछे आगे जो फ्रंट लाइन थी वहाँ पर साईं वसन शाह गार्डन बना था वो अब टूट गया है, ये बिल्डर की मनमानी है, सोसाइटी वालों की मनमानी है। कुछ लोग साईं का नाम लेके शहर में बिल्डर को और सोसाइटी वालों को बदनाम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जो ये बातें हैं ये बेबुनियाद हैं। वहाँ पे पहली बात तो ब्यूटिफिकेशन हुआ था, गार्डन नहीं बना हुआ था, ब्यूटिफिकेशन हुआ था। हमारी 72 के बाद हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड भी था जो एनक्रोच हो गया, हमें उसमें बहुत बड़ा खेद हुआ। उस समय सोसाइटी के लिए कोई सामने नहीं आया, शहर के लिए कोई सामने नहीं आया कि एनक्रोच हो रहा है, उल्टे सीधे काम करके वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लॉट बना हुआ है, दूसरा जो प्लॉट था बाहर भी अभी बहुत लोग वहाँ पे एनक्रोच करने लगे, अपना थैला लगाने लगे और टपरी वगैरह बनाने लगे, दारू वगैरह वहाँ पे पीते थे शाम के समय, वहाँ पे बहुत न्यूसेंस होता था। हम अपने म्यूनसिपालिटी में जाते, कॉरपोरेटर के पास जाते कि हमें वहाँ पे सॉल्यूशन दीजिए, यहाँ पे बहुत टपरी वगैरह लग रही है, पर कभी सुनवाई नहीं हुई। फिर फाइनली एक ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे आया प्रस्ताव कि हम यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करते हैं, और उस तरह से वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुआ। साईं वसन शाह बंगलो एरिया का नाम है, वहाँ पे वो नाम लिखा गया और हमें भी उनके साथ बड़ी आस्था है, तो हमने कहा हाँ वो नाम हमें चलेगा, वैसा नाम रखा गया। लेकिन अब वहाँ पर क्या परिस्थिति है, आपको क्या लगता है कि आपकी जो बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा है या उस गार्डन का नाम लिया जा रहा है, तो आप सोसाइटी मेंबर्स उसके लिए क्या सोचते हो, क्या है वहाँ? जब ही हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही थी, हमने वेरियस बिल्डर्स को बुलाया था, तभी हमने कंडीशन ही ये रखी हुई थी कि सोसाइटी हमें क्या चाहिए हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा, जो साईं वसन शाह जो अभी इशू मेन बताया जा रहा है वहाँ पे हमें वैसा ही नाम चाहिए क्योंकि हमारी भी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। और बिल्डर ने हमें ये आश्वासन दिया और ये अंडरटेकिंग भी दिया कि आप जो सोच रहे हो उससे बहुत बेहतर वे में हम वहाँ पे साईं वसन शाह का ब्यूटिफिकेशन रखेंगे करेंगे। यहाँ के कथाकथित नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने हमें एक बार ऐसे देखा था कि ये साईं वसन शाह जो गार्डन है वो टूट के वहाँ पर दूसरा ही कोई चौक बनने वाला है, ऐसा हमें बाकायदा उन्होंने दिखाया था, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर वहाँ पे साईं वसन शाह के अलावा कुछ बनेगा, क्योंकि अभी बनाने वाला बिल्डर है, तो हम वो बनने में नहीं देंगे, क्योंकि हमने उनके साथ प्री कंडीशन ये रखी हुई है कि यहाँ पे जो भी विटिफिकेशन होगा वो साईं वसन शाह के नाम से ही होगा। जो हमें अंडरटेकिंग उन्होंने दिया हुआ है उसका हमें प्लान भी बना के दिया हुआ है। जो साईं वसन शाह जो नाम से एक छोटा सा गार्डन बना गया था, अभी वो वहाँ पे नहीं, अभी होगा कहाँ पर? उसी एरिया में होगा। अब कहाँ पे होगा वो तो लोकेशन पे चल के हम यहाँ बिल्डर को भी बुला सकते हैं आके आप बताइए, लेकिन उसी लोकेशन पे होगा। उसका जो प्लान वगैरह उन्होंने दिया हुआ है वो अभी भी हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं आप। महेंद्र जी, क्या जो शहर में वातावरण बनाया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, कुछ एनजीओ द्वारा, आपको क्या ऐसी कुछ जानकारी है, क्या उनकी बिल्डर से कोई पैसे की डिमांड हो रही है जिसके वजह से वह जानबूझ के शहर में आपकी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही हम ये बातों की तरफ ध्यान देते हैं। हम तो चाहते हैं सिर्फ हमारा घर जो था वो हमें बन के मिले, साईं वसन शाह जी का नाम वहाँ पे आए, हमारे भी वो अष्ट हैं, तो बस हमारा वही मुद्दा है। और उसके अलावा बिल्डर के साथ किसका क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है। आपने एक बात बताई कि हमारा प्लॉट एनक्रोच हो रहा था, तब हमें कोई बचाने नहीं आया। हाँ जी, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किस साइड वाला प्लॉट एनक्रोच हुआ और अभी आप क्या बना हुआ है? जो पूरा फ्रंटेज है ये पूरा एनक्रोच हुआ, अभी भी एक साइड में वहाँ पे थैले लगे हुए हैं और आगे की तरफ जो मार्केट बना हुआ है वहाँ पे हमने बचपन से क्रिकेट खेली हुई है, उस वहाँ पे हमारी बिल्डिंग की वॉल दी हुई थी, वो वॉल तोड़ के एनक्रोच हुआ, अल्टरनेट सीडी बनी, क्या बना क्या नहीं बना, हमने वो काफ़ी मुद्दा हाई कोर्ट तक गए, कल्याण कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में गए, उसके बाद हमारे पास उसका ऑर्डर भी था,
पर वो डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि उसको खाली करवाना अभी वहाँ पे कोई और रह रहा है, बिल्डर तो कभी के जा चुके। फिर हम उस इश्यूज़ पे लड़ते रहें तो हम अपनी सोसाइटी कब बनाएं? हमने फिर भी उछला उसको छोड़ के हम अपनी बाकी एरिया को डेवलप करते हैं। तो अभी आपके पास कितना एरिया बचा हुआ है? 2300 समथिंग कुछ है, 2300 स्क्वायर यार्ड्स वगैरह। वो तो बिल्डिंग मिला है करें, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉट। आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हो? बिल्डिंग और हाँ 2300 समथिंग कुछ है स्क्वायर यार्ड्स, 2245 स्क्वायर यार्ड। बिल्डर द्वारा फ्लैट आपको दिए जाएंगे और कमर्शियल जो दुकानें बनेंगी वो बिल्डर के ताबे में रहेगी, उनके पास रहेगी। जेवी सिस्टम किस प्रकार का? हाँ जी हाँ जी हाँ, हमने रेजिडेंशियल की डिमांड की हुई है, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं सबको फ्लैट मिलना चाहिए और उसके अंदर काफ़ी समय तक नेगोशिएशन चलता रहा। हमने 3-4 बिल्डर्स को बनाया बुलाया, फाइनली इनके साथ फाइनल हुआ। इसके साथ ही हमें फिजिबल लगा कि हमें जो मिल रहा है वो बराबर है, कमर्शियल में हमारा कोई भी नहीं है। कालानी सोसाइटी बनी है, सबसे पहले बने दुनीचंद कालानी ने बनाई है, इसका पूरा सनत है, सब कोई तकलीफ नहीं। प्लाट कालानी का ही है, जो दुकान बने हुए है वो भी सनत हमारी कालानी का ही है, जो गार्डन बाद में बना है वो भी सनत हमारे को है। डिमार्केशन करने के लिए वो आर्डर है, दुकान तोड़ो, ये बाग तोड़ो, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं, ये झूठे अब बात बोलते हैं, ये झूठा सनत है, झूठा है। हम 22 बरस से 12 बढ़ रहे हैं, हम टाइम बन नहीं रहे, सोसाइटी बन रही है, जो 2 बरस से 12 बढ़ रहे हैं। हम गरीब आदमी है, क्या करें? इधर ये लोग तकलीफ देते हैं, झूठ बोलते हैं, सनत नहीं है, ये नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। कोणार्क अपना शहर।